हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे एपिसोड 4। आज बनेगा बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी पास्ता। इतना टेस्टी पास्ता तो आपको रेस्टोरेंट वाले भी नहीं खिलाएंगे। अगर आप इस तरह से एक बार बना लिए ना, तो आप बाकी सारे तरीका बिल्कुल ही छोड़ दोगे। तो चलो अब बनाते हैं। सबसे पहले मैं पैन में तेल डालूंगी और साथ में डालूंगी बटर। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए लहसुन। इसे हल्का सा फ्राई करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये कच्चा ना रहे। देखो ये लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी सेजवान चटनी और मेयोनीज। इन दोनों का कॉम्बो एक अलग ही लेवल का टेस्ट देता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आपको इसे आराम से धीरे धीरे मिक्स करना है और आपको सीम में करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने पास्ता को बॉईल करके रखा था, अब इसे इसमें डाल दूंगी और साथ में नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब लास्टली इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं डालूंगी चीज़। तो अब बस इसे मैं अच्छे से कद्दूकस करके डालूंगी। आप जितना ज़्यादा चीज़ी खाना पसंद करते हो, आप उस अकॉर्डिंग इसमें चीज़ डाल देना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और चीज़ को आराम से अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं डाला है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो गैस को सीम में कर देना और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना, तो सारे चीज़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। देखो मेरा तो ऐसे ही मेल्ट हो गया। अब बस बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसे फटाफट सर्व करती हूँ। देखो लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। अगर आप इसे एक बार इस तरह से बना के खा लिए ना, तो पक्का है कि आप बार बार इसे बनाना चाहोगे। क्या देख रहे हो, टेस्ट करने का मन कर रहा है क्या? ज़्यादा मत देखो, अगर ज़्यादा देखोगे ना तो आपको इसे अभी बना करके खाने का मन करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।